अपने एक दूसरे दौरे पर रायबरेली पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी को लिया आड़े हाथों। पूर्व मंत्री व सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य आज रायबरेली के मंडल आयोग के चेयरमैन व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल के जन्मदिन पर आयोजित जातिगत जनगणना के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शहर के फिरोज गांधी ऑडिटोरियम पहुंचे। कार्यक्रम के बाद वो मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और जूता कांड के आरोपी को भाजपाई बताया। साथ ही सनातन धर्म पर हमला करने वालों के सवाल पर कहा वो खुद सनातनी हैं और सनातन धर्म को महात्मा बुद्ध का धर्म बताया। हिंदू राष्ट्र पर कहा कि भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था न कभी बनेगा। दरअसल अपने एक देशी दौरे पर रायबरेली पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि आने वाले 2024 का चुनाव उनको आईना दिखाएगा और सनातन धर्म की बात करनी और सनातन धर्म की आलोचना करना यह मेरी आदत नहीं, लेकिन जो भारत के दो टुकड़ों में जो बांटने की कोशिश करेगा वह हिंदू मुसलमान को अलग करने की बात कह रहा है, मैं उसका विरोधी हूँ और लगातार रहूँगा और जो भी कहूँगा सही कहूँगा, जिसकी वजह से अगर मुझे जेल भी भेज दिया जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे ऊपर जूता फेंकना यह नीच सोच है जिसका मैं और सभी पार्टी के लोग भी विरोध कर रहे हैं। सनातन धर्म महात्मा बुद्ध का धर्म बताया। हिंदू राष्ट्र पर कहा कि भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था न ही कभी बनेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो 80 सीटों की बात कह रही है वो आने वाले लोकसभा चुनाव ही तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता यह तय करेगी कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। शामिल हुई है केवल उन्हीं का करने का तो 21 के आधार पर ही जोड़ दिया जाए तो भी पिछड़ों की आबादी 70% के ऊपर जा रही है और इसीलिए डर रहे हैं। ये इसीलिए डर रहे हैं कि अगर जातवाद निर्माण हो जाएगा तो पिछड़े लोग 27 पर नहीं मानेंगे, वो फिर 70 क्षेत्रीय आरक्षण की बात करेंगे। इसीलिए ये लोग जातवाद निर्माण से कतराते हैं। जब ये विपक्ष में रहते हैं तो इनके का ठिकाने रहती है। 2010 में भाजपा के एक बड़े नेता थे मानी गोपीनाथ मुंडे जी, उन्होंने पहले दिन में कहा था, उसमें वो विपक्ष में थे, उन्होंने मान किया था कि पिछड़ों का जातवाद निर्णय सार्थक किया जाए। अन्यथा पिछड़ी जात के लोग 10वें साल आरक्षण की सुविधा पाने से वंचित हो जाएंगे। यही नहीं, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता वर्तमान में रक्षा मंत्री पूर्व में गृह मंत्री लखनऊ के सांसद माननीय राजनाथ जी ने कहा था 19 लोकसभा चुनाव के पहले कि अगर भाजपा सत्ता में आएगी तो हम जातवाद निर्णय कराएंगे। 24 में चुनाव होने जा रहा है यानी 5 साल 19 के बाद ही पूरा होने जा रहा है, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये दोनों क्षेत्र के लोग अपने ही बात से मुकर जाते हैं। राजनाथ ने कुछ साल नहीं कहा, लेकिन आज भारत सरकार उनकी है, प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी जातवाद निर्णय लागू नहीं कर रहे। साथियों, आज नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में जातवाद निर्णय लगभग चल रहा है, काम पूरा होने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा अगर भाजपा की सरकार जातवाद निर्णय नहीं कराती है, जब भी हम सरकार में आएंगे हम जातवाद निर्णय जरूर कराएंगे, इसे उसे कह देना चाहता हूं। साथियों, आज तमाम लोग मुझ पर जातवाद का आरोप लगाते हैं। आरोप कौन लगाता है? जो जातिवाद के जो जातिवाद का नंगा नाश करता है, जो जातवाद के नाम पर अपने को सर्वोच्च जगह पर बैठाता है, जो जातिवाद के नाम पर भगवान में भी प्राण प्रतिष्ठा कर देता है। अरे भगवान है तो उसने सबको पैदा किया।